ऑफिसर आप लोगों से कि अपना जो गोबर है वो एडजाइनिंग में जो जहाँ जिनके पास जगह है वो गैस प्लांट लगाए। कुछ भी नहीं है सर, तो मैं कह रही हूँ एक सिंटेक्स टैंक भी लेके उसमें डाल के कहीं एक चार पाँच दिन के बाद दूर जाके किसी खेत में डला दिया, ये तो कर ही सकते हैं ना, ये तो सबसे सिंपल है, इससे ज्यादा नहीं। जस्ट एक कोई अवेयरनेस नहीं है, एक किस्म की सारी इंटरेक्शन है। शर्मा जी, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर दिव्या, अनिल गैल जी जो एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी अपना एक पूरा रोल है उसके ऊपर। स्वागत है, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या शर्मा और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये है हमारे एमडीओ साहब डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, हमारे हेल्थ अफसर साहब डॉक्टर विनोद शर्मा और ये हमारे ज्ञान साहब हैं। ये हमारा डे डंग डिस्पोजल पे कुछ एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो ये उस पर कुछ करना चाहते हैं। आपको खुद बताएंगे क्या इनका प्लान ऑफ वर्क है। तो गवर्नमेंट आ गया, लेकिन इस काम में जो जैसे आप काम कर रहे हैं इसमें देखिए हम आपको अवेयर कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि आप अपना। आज वेटनरी सर्विसेज विंग जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जो हमारे डेयरी के काम से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ गौशाला ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही है कि जो डेयरीज और गौशाला के काम के साथ लोग जुड़े हैं उनके पास डंग डिस्पोजल को लेकर प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि डेयरीज को लेकर जो हमारे सामने बेसिक जो प्रॉब्लम रहती है वो यही है कि डंग डिस्पोजल जो है मैकेनिज्म इनके पास नहीं होते हैं, डंग जो है नालियों में बहाया जाता है, तो जिसकी वजह से आपको पता है नालियाँ क्लॉगिंग और चौकिंग की प्रॉब्लम आती है, आगे पोल्यूशन होने के जो है चांसेस रहते हैं। तो लोगों को हमने यही जानकारी दी है कि अगर आप इस काम के साथ व्यवस्था हो, जैसे पशुपालन के काम से जुड़े हुए हो, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाइए, अपने अंदर थोड़ी बदलाव लाइए कि आप पैसा सिर्फ दूध बेचकर नहीं कमा सकते हो। अगर आप इस डंग जो है जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें, रिसाइकिल करें, प्रोसेस करें, तो ये हमें एक हमारी एडिशनल इनकम का जो है सोर्स हमें मुहैया करवा सकता है। तो उसी सिलसिले में लोगों से हमारी अपील थी कि अपने डेयरी यूनिट के बीच में चाहे वो बर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाएं, बायोगैस प्लांट लगाएं या कंपोस्ट पिट लगाएं, लेकिन जो डंग है वो नालियों में नहीं बहाना है, इससे जो है पोल्यूशन हजार्स पैदा होते हैं। तो काफ़ी जो हमारे डेयरी जो काम से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने यहाँ शिरकत की। तो इसमें आज हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद जी भी थे, हमारे साथ हमारे वेटनरी सर्जन डॉक्टर दिव्या शर्मा और एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल गैन जी भी थे। तो उन्होंने भी लोगों को जानकारी दी कि हम डंग डिस्पोजल को लेकर क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। थैंक यू।